लीडर राहुल गांधी 7000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने वाली हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा मणिपुर से होकर मुंबई तक जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा बिहार में दो बार गुजरेगी। शर्मा ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने लोक लुभावन वादे देकर जनता को खो दिया है, इसलिए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ये यात्रा निकाली जाएगी। 14 में अगर आप मोदी जी के भाषण सुनेंगे, केंद्र सरकार के तमाम लीडर्स के वादों को सुनेंगे, तो स्वयं हमें भी लज्जा आएगी और उनको भी लज्जा आएगी कि उन्होंने कौन कौन से भाषण देकर सत्तासीन वो लोग हुए। और वर्तमान में जिस तरह का अन्यायपूर्ण दौर चल रहा है, जिसमें चाहे आर्थिक अन्याय हो, चाहे सामाजिक अन्याय हो, चाहे राजनीतिक अन्याय हो, उसी को तत्वाधान में ध्यान में रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इम्फाल मणिपुर से लेकर और मुंबई तक की एक यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया, ये यात्रा लगभग 7000 किलोमीटर लंबी 15 राज्यों से होते हुए और लगभग 66 दिन में ये पूरी होगी। बिहार प्रदेश में दो बार यात्रा यहाँ से गुजरेगी और तब भी हम आप सभी साथियों से कहेंगे कि जो हमारी मूल भावना है इस यात्रा की, जो मूल संदेश है, उसको जनता तक पहुँचाएं। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य भी ये है कि जो यात्रा है उसके बारे में मैं ब्रीफ आपको बताऊं। एक बुकलेट हमने अभी आपके सामने लॉन्च की, उसी के मुख्य पृष्ठ जो थे वो अभी मीडिया के साथियों के सामने गए। इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस यात्रा की सबसे बड़ी आवश्यकता का मूल कारण रहा था कि किस तरह से आर्थिक आधार पर गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जिन लोगों ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, आज वो रोजगार की बात नहीं करते हैं। जिन्होंने कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आज वो किसान की आत्महत्या पर बोलने को तैयार नहीं है। बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा दो बार गुजरेगी। राहुल गांधी सीमांचल के 4 जिलों से होकर न्याय यात्रा निकालेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी रात में बिहार में ही ठहरेंगे। अंदर एंटर करेगी यात्रा और एक बार झारखंड से एंटर करेगी। दोनों एग्जैक्ट डेट्स 1 या 2 दिन में आप लोगों तक पहुंचा दी जाएंगे, क्योंकि परमिशंस की दिक्कत रूप में कोई बदलाव आएगा, मुझे लगता है 1 या 2 दिन में बिहार में एंट्री और एग्जिट की दोनों चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। और वैसे भी मैं अब लोकसभा तक आप लोगों के बीच में रहूंगा ही, हम लोगों की क्या चीज़, देखिए रात्रि विश्राम तो रहेंगे ही, अगर 3 दिन 4 दिन चलेंगे तो विश्राम भी रहेगा। और एग्जैक्ट क्योंकि 27 और 28 का है, मुझे लगता है 1-2 दिन का हम कोई गलत खबर दें उससे बेहतर है कि एग्जैक्ट बताया जाए। तो सीमांचल का 4 जिला ने कल हम लोग मीटिंग किए हैं, उसमें कोई गलत खबर मैं समझता हूं कि एग्जैक्ट जिला आपके पास व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा पूरा डॉटेड करके आप उस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बिहार में कांग्रेस के संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। लंबे अरसे से बिहार में कांग्रेस का संगठन सुस्त पड़ा हुआ था, अब राहुल गांधी के बिहार जाने से कांग्रेस के संगठन में नई जान आएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।